हाँ शंकु का क्षेत्रफल देखो, शंकु की आकृति आइसक्रीम के कोन की जैसी होती है, बिल्कुल ऐसी। इसमें तीन तरह के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं जनरल परीक्षा में। एक होता है पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। देखो इसका फॉर्मूला होता है पाई, जो भी राउंडेड से भी कोई भी आकृति है उसमें पाई जरूर लगा देता है, आर एल, जहां आर शंकु की आधार त्रिज्या है और एल त्रिज्या की लंबाई, ये एल और यहां से यहां तक ये आर है, ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखो शंकु का आधार क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब एक अंतिम चीज और पूछ जाती है क्षेत्रफल में, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो ये दोनों क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया जाएगा तो एल प्लस आर, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। परीक्षा में ये पूछ जाता है, लेकिन ये चीज भी कई बार पूछ लेते हैं माइंड में, ठीक है। अगर हमें इसकी एच दे रखी है, कुछ सही एच, तो कई बार एल पूछते हैं, तो एल बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये इससे हम एल निकाल लेते हैं, अगर ऊंचाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो और हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इस सूत्र से निकाल देंगे, अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो एल इस सूत्र से निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम मान रख के आराम से निकाल देंगे।